गाइस कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान और अनवर मैं हूँ मोहम्मद और मैं सलीम। हूँ जफर इकबाल। और आज भाई बहुत स्पेशल शार्ट देखने जा रहे हैं रामलला मूर्ति पर। तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अवध पुरी का उत्सव है, हाँ कोई कसर नहीं, सब खूब मनाना। मेरे प्रभु है आने वाले, रथ को उनके खूब सजाना। वो द्वापर में कोई राह तक है, मुझे उनको लेने जाना है। चलिए तो फिर मिलते हैं, हमें भी अयोध्या आना है। फिर से आराम, फिर से अनजान हम ये अंतर्यामी, शीश झुकाओ, धुन गाओ, बोलो जय विष्णु के एक और नया अध्याय रचने जा रहा है। अब दिवाली का त्योहार साल में दो बार बनने जा रहा है। जय श्री राम। I'm not going to be able to do it.
पूरे इलाके में इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। जनवरी 2024 से लेकर 14 फरवरी 2024 तक भारत देश में एक ऐसी चीज होने जा रही है, एक ऐसी यात्रा का आयोजन होने जा रहा है, राम उत्सव का जो ये सेलिब्रेशन है। राम जी जैसे 22 जनवरी को पधार रहे हैं, उनको याद करके, उनके आदर्शों पे चल के, उनके आदर्शों का पालन करके राम उत्सव यात्रा 14 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक रामेश्वरम से लेकर अयोध्या तक का इसका आयोजन किया गया है। इस पूरे यात्रा में 500 से भी अधिक जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो हम सभी को इंस्पायर भी करते हैं, जो एक्टर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो ब्लॉगर्स हैं, ये सभी एक वानर सेना के रूप में ये यात्रा पूरी करेंगे कि राम वन गमन पथ यात्रा। तो जहां पर भी प्रभु श्री राम गए थे लंका से लौटने के बाद अयोध्या तक की जो उनका सफर था, ऐसा ही सफर ये जो मंडल है ये तय करने वाला है। तो इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए और हम सभी लोगों को तालियों के साथ इनको एक और बेस्ट हम सभी की तरफ से कहना चाहिए। एंड एवरीवन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ये निमंत्रण है जो दिया ना, अच्छा इंसाफ को भेजिए। हाँ है बहुत बिल्कुल भाई, सबको काफ़ी ज़्यादा एक वेट तो है 22 जनवरी का। अब तो सिर्फ एक दिन ही बाकी, आज शार्ट आएंगे और कल सब एक चीज़ें तैयार होंगी। लेकिन एक दूसरी तरफ ये कि बहुत प्यारे एक रामलला मूर्ति के जो इतने प्यारे प्यारे शार्ट्स हमारे सामने आए हैं, और कल बहुत एक स्पेशल दिन था जब रखी गई है, वो ट्रक में जब लेकर आ रहे थे तो काफ़ी एक हैवी सिक्योरिटी के साथ बहुत सारी कारें थी, और एक जितने भी यूट्यूबर, एक न्यूज़ चैनल, एक सामने ऐसे खड़े हुए और सब एक भाई जो आम जनता है वो भी एक वेलकम करने के लिए एक सामने खड़ी थी। और अब तो बिल्कुल ऐसे सज चुका है राम मंदिर, जिधर भी एक बार जाए ना, एक गली, एक अयोध्या पूरा सजा हुआ है, कितने खूबसूरत नहीं अयोध्या से हटकर भाई पूरा इंडिया ही आप समझ ले, और पूरे वर्ल्ड में जो एक मतलब के लहर अब स्टार्ट हुई है ना वो देखने वाली है, जो कि मतलब के रैलीज में होंगी। तो इंडिया में भी भाई काफ़ी एक रैलीज का एक मतलब के प्लान है लोगों का, पहले हमने नहीं सुना था, लेकिन अब एक नई नई चीज़ें आप देख लेना सामने आया कि जब मतलब के राम जी आए थे ना अयोध्या में, मतलब के इंटर हुए थे, अब तो श्रीलंका बन गया एक मतलब के इंडिया पाकिस्तान कंट्रियाँ लहदा लहदा होगी, लेकिन उनका जो सफ़र था ना उसको फॉलो करते करते काफ़ी लोग रैलीज में आएंगे भाई, बोल रहा था कि वानर सेना होगी। नहीं बिल्कुल ऐसे ही एक्साइटमेंट तो भाई वाकई बहुत ज़्यादा नो डाउट, लेकिन ये कि ये कुछ छोटा मोटा इंतज़ार नहीं है, 5 साल का इंतज़ार है। आप देख लो जिनको जो बुजुर्ग हैं, जिनको निमंत्रण उन्होंने भेजे हैं, और उनके देख लो किस तरह के जज्बात हैं, मतलब आंखों में आंसू आ रहे थे, और मतलब उनको यही असल जो है ना वो फीलिंग्स होती हैं जो कि फील करने वाली होती हैं। और उसके अलावा बाकी जो भाई एक क्रिकेटर जो है ना उनको जो गए हैं, उन्होंने एक इन्विटेशन भेजे हैं विराट को, सचिन को, और उसके अलावा MS धोनी को, कमाल हो गया। बाकी भी पीएम मोदी जी की अगर बात करें तो वो भाई इस चीज़ के ऊपर काफ़ी थोड़ा सा इमोशनल ज़रूर हो जाते हैं, आप पहले शार्ट में उनको देखो ना, तो ये बाकी एक इमोशनल सीन थे। बाकी भाई उन्होंने मूर्ति लेके तो आए हैं और वहाँ पे रखी, और जो ट्रक में वो सीन बना हुआ था, और उसके अलावा जब उन्होंने उतारी है ना वो भी एक बहुत प्यारा सीन बना था यार। एक बार लोग भी ना देखते रह गए थे कि पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं, कि एक ऐसे लोगों के जज्बात थे, लोगों के आंसू नहीं रुक रहे थे, ऐसे एक वेलकम आगे से किया गया है। नहीं बाकी उस दिन तो भाई एक ना मतलब उसके 22 जनवरी को तो बंदा फ्री होकर हर चीज देखे, क्योंकि एक ना बहुत मतलब के बड़ी डेवलपमेंट, इतने इवेंट होने हैं, बहुत इवेंट, हां बहुत ही
इवेंट होने और अगर मतलब कि बंदा कवर कर पाए ना तो ये बहुत खुशी की भाई बात होगी, क्योंकि कोशिश करेंगे कि हम भी साथ साथ सारी वीडियोस तो भाई आती रहेंगी मतलब के दो तीन महीने तक, लेकिन उस दिन जो होगी ना एक्टिविटी एक हर मतलब के पूरी एक वर्ल्ड में जैसे होगी रैलीज वगैरह और हर चीज, तो वो जरूर एक देखने वाली होगी। बिल्कुल भाई बिल्कुल। एक दूसरी तरफ है तो भाई शॉट काफ़ी एक प्यारे थे एक मोती के, तो उम्मीद करते हैं कि आपको भी पसंद आएंगे। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक।